सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संरक्षण के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित तिवारी जी आज पलामू आए हैं और जैसा कि आपको पता है कि ये पलामू के ही रहने वाले हैं और पलामू से चलकर इन्होंने अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संस्था की पहचान बनाई है इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। पलामू आए हैं और पलामू में मानवाधिकार संगठन अपराध नियंत्रण संरक्षण क्या खास लेकर आएगा पलामू के लोगों के लिए, हम इनसे बात करेंगे। अमित तिवारी जी, पलामू आप आए हैं, पलामू के आप रहने वाले हैं जी, पलामू के लिए क्या आप सोच रखते हैं और किस तरह का लाभ मिल पाएगा आपकी संस्था? देखिए, बेसिकली मैंने बताया था पहले कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संरक्षण का हमारी टीम जो हर स्टेट में गठित हो चुका है और कुछ कुछ जगहों पर अभी जो नहीं है वो हम लोग पूरी टीम हमारी लगी हुई है और हमारी टीम की और जो पदाधिकारी हैं और जो हमारे उनके सदस्य भी हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्र में भीतर लगे हैं, वहाँ का टीम भी बना रखे हैं हमने। तो मेरा एक ही है कि स्टेट जितने भी राज्य में बन रहे हैं, राज्य में राज्य के साथ साथ हम उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा विशेष ध्यान हम लोग उसको जागरूकता अभियान के तौर हम लोग चालू करने जा रहे हैं, जिस तरह से भी हमने और भी स्टेट में कुछ किया है वहाँ पर जागरूकता अभियान। तो पलामू में इसकी बहुत समस्या है, यहाँ पे लोग जान नहीं रहे हैं कि आखिर ह्यूमन राइट्स है क्या। हमने बताया था पहले तो कुछ जगहों पर हमारे यहाँ पर पलामू में, तो जब मैं पिछले बार आया था तो यहाँ पर हमारी संगठन बनी हुई थी, थोड़ी लोगों में कमी थी, जो कि संगठन हमारी मजबूत हो रही है। जो कि हमारे संगठन में यहाँ पलामू प्रभारी हमारे गुरवीर सिंह हैं, जो गुरुकुलम स्कूल के डायरेक्टर भी हैं वो, तो उनके नेतृत्व में पलामू में संगठन हमारी जो है यहाँ पर काफ़ी मजबूती पकड़ रही है जी। उनके द्वारा सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, अभी हाल ही में उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कराया था जी, जो वाकई मानवाधिकार संगठन के साथ इस तरह का जो कार्यक्रम है वाकई में लोगों के लिए ये काबिले तारीफ जी जी। ये तो आप खुद देख सकते हैं, तो देखने की बात है, ये तो हम लोग बोलते नहीं, हमारी संगठन दिखाती है कि भाई हम जनता के प्रति लोगों के प्रति क्या कर रहे हैं। तो इसमें गुरुवीर जी युवा है, ऊर्जावान व्यक्ति हैं और नेतृत्व तो जब से बाप ने उनको दिया गया है तब से वो काम पलामू में अच्छे कर रहे हैं और लोगों गरीब बच्चों को उन्होंने स्कूल में काफ़ी निःशुल्क भी पढ़ा रहे हैं और तो बहुत एक सराहनीय है और हमारे संगठन के लिए एक बहुत बढ़िया पहल है। लोगों में मैं यही देना चाहता हूँ, लोगों में बोलना चाहता हूँ कि पलामू ही नहीं, हर जन मैंने हर सभी लोगों को, यहाँ की जनताओं को हर जगह ये बोलता हूँ कि भाई जितना मदद कर सके आप लोगों के बीच में, आप मदद करने जाएं, मदद करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इससे हमको ये मिलती है कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। क्योंकि राजनीतिक दल एक अलग दल हो गई है, क्योंकि राजनीतिक पलामू में दाव पेच युवा छात्र जितने भी हैं कुछ राजनीतिक से ज़्यादा देखते हैं कि उनकी ये है लगाव रहती है, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो भटक रहे हैं जो भी वो मानवाधिकार के बारे में इसको समझकर जागरूकता अभियान जो हम लोग चलाने जा रहे हैं अभी बहुत रफ्तार से, इसका जागरूकता अभियान हर प्रखंड में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से शुरू करेंगे और पूरे लोगों को जागरूकता के साथ साथ सदस्यता अभियान भी हम लोग चलाएंगे कि हमारे संगठन से वो जुड़े और इस माध्यम से जो हमारे संगठन के नियम है उसके प्रारूप जो है उसके अनुसार कार्य को करें और जनता को बीच में लेके जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। ये सबसे बड़ी हमारे संगठन की ये है जी। और एक सवाल आपसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, ये संगठन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है, बेसिकली आप पलामू के हैं तो पलामू के लोगों का जुड़ाव आपसे रहेगा, अगर आपकी संस्था से लोग जुड़ना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा? हमारी संस्था से जुड़ने के लिए सारा ऑनलाइन है, हमारी वेबसाइट भी अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, वेबसाइट भी देवघर से बाबा देवनगरी से हमने उसका लॉन्च भी किया था, तो ऑनलाइन है, उसमें जो भी मेंबर बनना चाहते हैं, एक उनकी जो संस्था के जो एक नॉर्मल जो चार्ज होते हैं वो कोई भी हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, इसे मिलकर ही लोग काम कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद करने के लिए मिलकर
सभी को दूसरे को समस्या को समाधान हम कर सकते हैं, जहाँ तक बन सके वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि कोई फंड तो सरकारी मिलती नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को ही सब करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों है कि खुद से आदमी मिलकर संगठन की टीम हमारी मदद करती है और बढ़ चढ़ कर करती है, क्योंकि आपने देखा है अभी उन्होंने बताया ना कि अभी पलामू में कैंप डाउन ब्लड का जो उन्होंने लगा रखा है और स्कूल में खुद उन्होंने जो किया, ये सारे चीज़ एक जो लोगों के बीच में जो जा रही है मैसेज, ये बहुत अच्छा है। और ये चीज़ ही नहीं, हम लोग चाहते कि भी गढ़वाल लातेहार साथ साथ जो लोगों को ब्लड के भी जो दिखते आ रही है वो सब भी उन लोगों को मिले, और जो आम जनता परेशान होते हैं उन लोगों की भी समस्या जो भी है हम लोग उसको हर जिले में एक हर महीने में एक हमारे संगठन की तरफ से एक उनको दरवाजा जो है जाकर उनकी समस्या को समझेगा और उनकी सारी बातों को जो है हम लोग निष्पादन करने के लिए अधिकारियों से मिलकर चाहेंगे कि उसको कार्यकला उसको जल्दी हम लोग ये कर दूर करें उसको। जी, मानवाधिकार, मानव के अधिकार की जरूरत स्वतंत्र भारत में भी पड़ रही है, यानी कि आज भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो पलामू में आपका विंग काम कर रहा है, गुरुबीर जी यहाँ प्रभारी हैं, पलामू से किसी तरह का ऐसा कभी समस्या सामने आया जहाँ की जरूरत पड़ी है? ये देखिए, पलामू में जो समस्या पिछले बार जो हुई थी, जो समस्या मतलब जो ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को जो कहानी था कि भैया हम लोग बेवजह को परेशान होते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, बेवजह के नंबर दे दिया जाता है, पैसा भी बेवजह कर लिया जाता है, मनमानी तरीके से सुलह होते हैं सारी चीज़, ये सब पिछले बारे में जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं दूर दराज से, तो हम एक संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से, चाहे आप खुद इसको देखें, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग एक शक्ति हैं देश का, जो कि आप उसको दिखा सकते हैं लोगों के बीच में, जो आप उसको निकाल सकते हैं, जो हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है कि अगर कहीं समस्या उनको हो रही है तो आप अपने स्तर से या अधिकारियों के साथ मिलकर, क्योंकि पहले हम आम जनता हैं जी, क्यों मानवाधिकार है वो अलग हम समझते हैं, लेकिन पहले हम आम आदमी हैं, एक दूसरे को मदद के लिए हम तत्पर हैं, सबसे पहला हमारा फ़र्ज़ यही है। तो उनकी परेशानी अगर हो रही है तो कोई भी आदमी जो है उन तक पहुँच कर ये समस्या को अधिकारियों से मिलकर ये करें कि ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि अक्सर अभी स्कूल का भी जितने भी स्कूल में हम व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि टीचर जो है स्टूडेंट को आपको मारते हुए देखते हैं, तो एक शिक्षक भी अगर इस तरह का करे तो कहीं ना कहीं है कि शिक्षक एक तो मार्गदर्शन होते हैं, शिक्षक एक मैंने वो ज्ञान का रूप है, वो एक समाज के प्रति वो मैंने एक संस्कार जो बोलते हैं वो सारे बच्चों को दिखाते हैं। अगर हमारे शिक्षक ऐसे करेंगे तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ सभी शिक्षकों से, क्योंकि वो एक शिक्षक हैं, हमारे भी शिक्षक रह चुके हैं, और हमारा जो अभी की स्थिति जो संस्कार और संस्कृति है वो बचा रहे, सभ्यता बना रहे सभी लोगों में, जितने युवा छात्र थोड़े से भटक रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अपने संस्कार संस्कृति को बचा कर रखना चाहिए, लोगों के बीच में संदेश देना चाहिए, और जितना भी युवा ऊर्जावान है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई में अपना जो भी है जिसमें उनको इंटरेस्ट हो वो काम करें। एक गलत मार्ग धरने से क्या है कि वो उसका कोई निराकरण नहीं है, उसका गलत रास्ते का गलत अंजाम ही होता है, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग इनको एक अपने माध्यम से भी एक ये चलाएं कि युवा छात्र जो भटक रहे हैं इधर उधर हमारे पलामू के जो हैं, चाहे मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक अपना खुद का जो भी है, जिनका बिजनेस है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो इच्छा जिनकी है वो अपना समय जो भी अपना खुद का करें, ताकि पलामू की एक मिसाल कायम हो। हमारा पलामू में जो भी है सभी जितने भी छात्र हैं यहाँ से अच्छे रिजल्ट भी करते हैं, अब अच्छे यहाँ से जाते भी हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ सभी यहाँ पलामू वासियों के जनताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपना समय किसी भी राजनीतिक हो या फिर किसी भी ज़्यादा व्यर्थ ना रखें, इसमें अपना ऊर्जा जो है अपने पढ़ाई में अपनी जो भी जिसमें इंटरेस्ट हो अपने विकास में लगाएं और लोगों को मदद में ज़्यादा वो करें, एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि हम उनको मदद करेंगे वो उनको मदद करेंगे, इसी तरह से मदद एक दूसरे को करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक हमारे जो है ना ये सफल जो है एक जीवन है, सफल जीवन बनेगा और उसमें हम कुछ लगता कि मैं कुछ किया, इसलिए हम चाहते हैं कि मानवाधिकार जो संगठन हमारा है उससे लोग जुड़कर कुछ काम करें और कहीं दिक्कत हो रही है
जिससे पुलिस प्रशासन एकदम कहीं किन्हीं को दिक्कत है, प्रॉब्लम होती है कि हमारे गुलाम कप्तान एक बहुत ही अच्छे कप्तान मिले हैं पहला हम लोग को, ऐसा कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो सभी चीज़ों को देखते हैं, वो चीज़ को देख कर निकालते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, उस अंजाम तक पहुँचते हैं वो। तो इतने अच्छे हमारे कप्तान हैं कि उनकी जितने भी हम बारे में बोले उतना कम है। ऐसे कप्तान को मैं सैल्यूट करता हूँ और इनके नेतृत्व में पलामू में बहुत कम हुए हैं अपराध यहाँ पे, और मैं सरकार से भी यही चाहूँगा कि हमारे कप्तान साहब को छूट रहे इस तरह से काम करने का, किसी तरह का दबाव ना रहे, और जिस तरह से काम कर रहे हैं बिना दबाव के ही काम बहुत ऐसी अच्छा से कर रहे हैं, सराहनीय है कदम इनका, ये मैं कहूँगा जी। एक अंतिम प्रश्न आपसे, मानवाधिकार की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ लोगों के साथ अन्याय होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है, और ख़ास तौर पर देखा जाए कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो मानवाधिकार के बारे में, मानवाधिकार संगठन की उन्हें खास जरूरत नहीं पड़ती। जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जो अशिक्षित हैं, उन्हें उनके अधिकारों का ज़्यादा हनन देखा जाता है। तो ये बड़ी चुनौती होगी कि पलामू का एक बड़ा इलाका आज भी ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाके के रूप में जाना जाता है, जहाँ शिक्षा से कोसों दूर हैं लोग, तो उन इलाकों तक आप कैसे पहुँच बना पाएंगे? देखिए ऐसा है कि हमारी, अभी मैंने बताया आपको कि स्पेशल टीम जिसको हमने बताया है उसका नाम दिया है, उसको हमने एक रखा है QR टीम, जो स्पेशल टीम जो काम करेगी हमारी, जो संगठन के लोग 11 लोग टीम बनकर वो ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा और जहाँ तक संभव होगा वो टीम हमारे उनको जागरूकता करने का पूरा उनका एक जागरूक करने का, जो अभी हमने बताया ग्रामीण जागरूक करने का प्रयास करेगा, और वो सारी चीज़ उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे वहाँ पर, कि यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स का हमने बुक का भी किया है कि उनका अधिकार क्षेत्र में क्या क्या है, वहाँ तक मैं चाहूँगा कि उनको वहाँ तक मिले, वो उस तरह से अपने अधिकार के बारे में जानकर दूसरे से कभी वो पीड़ित ना हो सकें, वो अपने अधिकार लेने की लड़ाई खुद लड़ सकें, संगठन उनको इतना जागरूक कर दे कि वो संगठन के अपने प्रति रख के भी लोगों के दूसरे को मदद भी कर सकें। जी, आपने सुना अमित तिवारी जी, मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पलामू से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना फिर पलामू के लिए सोच रहे हैं और पलामू वापस आए हैं, तो निश्चित तौर पर पलामू में मानवाधिकार संगठन अपराध नियंत्रण संरक्षण का जो यहाँ के गुरबीर जी प्रभारी हैं वो बेहतर कार्य करेंगे और यहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होगा।